हेलो, आप सभी कैसे हैं। अभी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप अपना एलसीएम एंड एचसीएम निकालेंगे 510 और 92 के लिए। हमारा कौन सा मेथड काम में लें, तो आपने बोला कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड काम में लेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि। इस विधि में करना क्या है, दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है वो भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। दो, तीन, पाँच, सात, एक से लेकर 10 तक की आपके अभाज्य संख्याएं, जो कि आपको हमेशा याद होनी चाहिए। देखिए, सर्वप्रथम हम 510 के गुणनखंड कर देते हैं। तो इसमें दो का भाग जा रहा है क्या, यस। अब किसी भी संख्या को देखकर कैसे पहचाने कि वो दो से विभाज्य है या नहीं है, तो उस संख्या का इकाई अंक देखें। किसी संख्या का यदि इकाई अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई हो, तो वे संख्या आपकी दो से विभाज्य रहती है। तो इसका इकाई अंक देखो कितना है, 0, मतलब ये दो से विभाज्य है। तो इसमें दो का भाग दे देते हैं, यस। दो का भाग गया कितना, 2 बार, 5 बार और 5 बार, 255 आ रहा है। फिर क्या, इसमें दो का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो मैं आगे गया 3 के पास, 3 का चेक किया, तो ये 3 से विभाज्य। 3 8 24, 5 3 15। अब इसमें देखो, ये 2 से विभाज्य नहीं है। 5 के पास गया, 5 से विभाज्य कितनी बार, 1 बार, 7 5 35 आ गया, 17। आगे के प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 11 13 17 और 19, यानी 17 एक प्राइम नंबर है, 17 में 17 का डिवाइड 1 आ गया, ठीक है। अब हम 92 की बात कर लेते हैं, तो इसमें 2 का डिवाइड हो रहा है कितनी बार, 4 बार और 6 बार। फिर इसमें 2 का डिवाइड हो रहा है 2 बार और 3 बार। आगे के प्राइम नंबर कौन से हैं, 23 और 29, तो 23 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर खुद से ही डिवाइड करना है, खुद से ही डिविजिबल रहेगा फैक्टर करते समय, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखें। तो यहाँ पर 510 के हमारे पास ये फैक्टर आ गए, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, सब एक एक बार है, मतलब सबकी घात एक एक। घात क्यों लिखेंगे, क्योंकि अभी हम एलसीएम एंड एचसीएफ निकालेंगे, तो उस समय हम घात को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। एचसीएफ में न्यूनतम घात लेते हैं, एलसीएम में अधिकतम घात लेते हैं। अब एचसीएफ में न्यूनतम घात किसका लेते हैं, एलसीएम में अधिकतम घात किसका लेते हैं, वो भी बात करेंगे, ठीक है। इसके फैक्टर 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 गुणा 2 2 बार, यानी 2 की घात 2 आ गया। 23 आपका 1 बार, यानी 23 की घात 1, तो आपका एचसीएफ। एचसीएफ का देखिए, याद रखने का ट्रिक, सिंपल ट्रिक है, इसका फुल फॉर्म याद करो। फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ यानी कॉमन फैक्टर लेना है, कॉमन फैक्टर में भी कौन से लेनी है, उसकी घात न्यूनतम घात लेनी है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, न्यूनतम घात का सीएफ, कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो देखिए, कॉमन फैक्टर क्या होता है, ऐसा फैक्टर जो यहाँ भी हो यहाँ भी हो, तो 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, इसका न्यूनतम घात कितना है, 1 है, तो इसका आ गया एचसीएफ 2। 2 की घात 1 कितना होता है, 2 होता है। अब एलसीएम, एलसीएम में क्या लेंगे हम, अधिकतम घात लेते हैं। तो देखिए, 2 आपका एक फैक्टर है, इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है। उसके बाद 3 एक फैक्टर है, इसका अधिकतम घात 1 है। 5 एक फैक्टर है, इसका अधिकतम घात 1 है। 17 एक फैक्टर है, इसका अधिकतम घात 1 है। 23 एक फैक्टर है, इसका अधिकतम घात 1 है। अब इन सब को हम गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया आपका, गुणा करने पर, गुणा करने की ट्रिक बताऊँ क्या, गुणा हमें कुछ ऐसे करेंगे, देखिए इन सभी फैक्टर का गुणा करेंगे वापस कितना मिलेगा, 510। तो इसमें आपका कौन आ गया, यहाँ से शुरू हो रहा है, देखिए इसमें 2 एक एक्स्ट्रा है, तो 2 का उसके साथ गुणा करेंगे, 2 गुणा 23 46 46 गुणा 510, कितना आ रहा है आपका, 23,460 आ रहा है।
तो इस प्रकार से हमारा ये एलसीएम एंड एचसीएफ हमें मिल जाता है।